बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसक IT स्कूल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, पिछले टॉपिक में मैंने आपको फ्री हैंड पिक टूल और शेप टूल के मतलब बताया था। आज मैं आपको स्मज टूल और रफन टूल ब्रश के मतलब बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले व्यूअर्स हम कोई शेप इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर मैं पहले रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ व्यूअर्स। ये देखिए, आपने भी ड्रा कर लेनी है ऐसे। इसको समझाने के लिए व्यूअर्स, पहले शेप ना आपने ड्रा करनी है बिल्कुल ऐसे। इसको एडजस्ट कर लें जैसे भी एडजस्ट करना है। फिर इसमें कलर व्यूअर्स फिल करना है, कोई सा भी कलर इधर फिल करना है। ये देखिए, इधर मैं यूनिफॉर्म कलर एक जैसा ही फिल कर देता हूँ, कोई सा कलर आप फिल कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू कलर कर दिया है व्हील। अब व्हील मैं बताता हूँ कि स्मज टूल में हम क्या करते हैं। अदर आपने आना है व्हील, जिधर शेप टूल था व्हील उधर क्लिक करना है। आगे मजीद टूल ओपन होंगे, ये देखिए, ये स्मज टूल आपने सेलेक्ट कर लेना है व्यूअर्स। जैसे ही स्मज टूल सेलेक्ट करेंगे व्यूअर्स, अब आप इस पिक्चर में डिफरेंट चेंजिंग जैसे आप पेंटिंग वगैरह में करते हैं वैसे कर सकते हैं व्यूअर्स। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे साइड से अगर आप करना चाहते हैं, ये व्यूअर्स हो जाएगा। ये थोड़ी सी बारीक लाइन में आ रहा है, मैं इसे जरा मोटी लाइन में करके दिखाता हूँ व्यूअर्स। यहाँ से आपने इसके नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं, जब आप इसे -5 करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, +5 करेंगे उतना ही बारीक हो जाएगा। इधर से नंबरिंग आपने एडजस्ट करनी है व्यूअर्स। ये देखिए, अब व्यूअर्स करके बताता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे आप समाज लगा सकते हैं व्यूअर्स। इसे बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी व्यूअर्स कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आप मुख्तलिफ तरह का पेंटिंग वगैरह ड्रा कर सकते हैं खुद से व्यूअर्स। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग ड्रा कर सकते हैं। इसका साइज व्यूअर्स के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको शुरू में बारीक और एंड में मोटा नजर आ रहा है। इसके साइज को आज ये माइनस पे था, इधर प्लस में करेंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे आप मुख्तलिफ शेप ड्रा कर सकते हैं इसके साइज एडजस्ट करके। ये देखिए, इस तरह आप पेंटिंग वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए, ये समझ टूल का भी काम होता है। इसमें साइज को आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, शुरू में बारीक और एंड में मोटा, या शुरू में मोटा कर दें एंड में बारीक कर दें, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। अब मैं आपको दूसरे टूल के मतलब बताता हूँ व्यूअर्स। इस पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर एक नई शेप व्यूअर्स ड्रा करनी पड़ेगी। इधर मैं
ये शेप ड्रा कर दी है मैंने। अब कोई भी शेप इधर ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, जैसे भी। ये मैंने ड्रा कर दी है वियर। रफन टूल को समझने के लिए, अब रफन टूल सेलेक्ट करने के लिए उधर ही आपने क्लिक करना है वियर, जैसे पहले किया था। अब तीसरे नंबर पर रफन टूल है, इसको समझाने के लिए वियर मैं करूँगा क्या कि इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा पिक्चर को, ताकि आपको समझ आए कि रफन टूल कैसे काम करता है। ये देखिए, जूम मैंने कर लिया है। रफन टूल में वियर जब आप शेप पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइड्स हैं वैसे आप रफ कर सकते हैं वियर। यह कम रफ हो रही है वियर, अगर आप इधर ज्यादा रफ करना चाहते हैं तो इसके साइज को मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। इसको मजीद करने के लिए वियर्स मैं इधर करके बताता हूँ साइज, वो उधर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, वैसे ही आपने इधर ब्रश को क्लिक कर देना है सिंपल, जितना साइज करना चाहते हैं। ये देखिए, अब ज़्यादा रफ हो गया है वियर। इस तरह कम रफ भी कर सकते हैं, ज़्यादा रफ भी कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन वियर आप लगा सकते हैं। ये देखिए, वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह मुख्तलिफ डिज़ाइन आप लगा सकते हैं किसी भी पिक्चर, पेंटिंग वगैरह जब आप ड्रा करते हैं तो ऐसे आप लगा सकते हैं। यह था हमारा टॉपिक आज का वियर। अगर टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।